नमस्कार दोस्तों, ज्ञान गंगा की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 200 रुपए के कॉइन के बारे में। 200 रुपए का कॉइन फर्स्ट टाइम इशू किया गया इंडियन गवर्नमेंट द्वारा। ये 2015 में इशू किया गया था और ये इशू किया गया था जब 200वीं एनिवर्सरी थी तात्या टोपे की, यानी कि उनके जन्म को 200 साल हुए थे, तो ये कॉइन इशू किया गया था। अब आप कहेंगे कि 200 साल कैसे, तो ये 1814 में तात्या टोपे का जन्म हुआ है, तो उस हिसाब से 2015 में उनके जन्म को 200 साल हुए, तो इस उपलक्ष्य में ये कॉइन निकाला गया। और अगर हम तात्या टोपे के बारे में बात करें तो 1814 से 1859, जैसा कि आप देख पा रहे हैं वीडियो के अंदर, इसके अंदर गवर्नमेंट ने दो कॉइन निकाले, 200 रुपये एंड 10 रुपये का कॉइन। 200 रुपये का जो कॉइन निकाला उसमें अगर आप देखेंगे, वीडियो में दिखाया जा रहा है कि 200 रुपये का कॉइन की जो मेटल है, धातु है, वो चांदी इसके अंदर 50% है और तांबा 40%, निकल 5%, जस्ता 5% और आकृति वृत्ताकार है। वजन इसका 35 ग्राम होता है। इसके साथ 10 रुपये का कॉइन भी निकाला गया जिसका वजन तकरीबन 7.71 ग्राम और आउटसाइड डायमीटर 27 mm, जो पिक्चर भी दिख रही है आपको। इसके अंदर हमेशा 200 के साथ कोई ना कोई दूसरा कॉइन निकाला जाता है। और वीडियो में आप देख रहे हैं कि ये कॉइन इशू किया गया कलकत्ता मिंट के द्वारा। और अगर हम कॉइन के ऊपर पे बात करें तो कॉइन पर लिखा है तात्या टोपे की 200वीं जयंती, 200th बर्थ सेंचुरी ऑफ तात्या टोपे 2015। बैक साइड के अंदर मेटल कंपोजिशन इंग्लिश में लिखा है और फ्रंट साइड में मेटल कंपोजिशन हिंदी में लिखा है। अगर हम तात्या टोपे के बारे में थोड़ी जानकारी आपको बताएं जो इस सेट पर लिखी है, तो इसमें लिखा है भारतीय गदर अथवा 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के विख्यात सेनानायक रामचंद्र पांडुरंग। तो तात्या टोपे का जो असली नाम था वो रामचंद्र पांडुरंग था, जो तात्या टोपे के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। उनका जन्म 1814 में महाराष्ट्र के वर्तमान नासिक जिले के येवेले गांव में हुआ था। तो उनके बारे में पूरी डिटेल है कि तात्या टोपे पेशवा के दत्तक पुत्र नाना साहेब के घनिष्ठ मित्र थे। अब हम अगर इसके प्राइस की बात करें, इस सेट के प्राइस की बात करें, तो ये सेट जब इशू किया गया था तब इसका प्राइस तकरीबन 2500 से 3000 था, लेकिन अब ये सेट इशू नहीं किया जा रहा क्योंकि ये लिमिटेड सेट इशू किए जाते हैं। तो अब इस सेट की जो वैल्यू है वो है 3500 से 4000 रुपये अगर आप कलेक्शन करना चाहते हैं। और अगर आप कभी भी कलेक्ट करते हैं ऐसे सेट, तो लूज़ कॉइन कभी ना लें, हमेशा सेट में लें, क्योंकि सेट में ही इनकी वैल्यू होती है, लूज़ में फेक बहुत आते हैं। तो इस सेट की मार्केट प्राइस अभी 3000 से 3500 रुपये है और कभी कभी 3500 से 4000 भी है, वो डिपेंड टू डिपेंड करता है।